Hey guys, I'm Vishal. Welcome to College Option. और आप लोगों के काफी डाउट आ रहे थे कि भैया JEE मेन का एग्जाम तो हो गया, अब JEE मेन के एग्जाम के बाद एडमिशन कैसे ले, यानी किस तरीके से एडमिशन होता है, क्या होता है, हमें नहीं पता। मैंने ऑलरेडी यार इसके ऊपर वीडियो बना रखा था, लेकिन बच्चों को यार ये डाउट आ रहा है कि भैया आप वापस से वीडियो बना दो। तो यार देखो, मैं इसके अंदर ना तुम सबको काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं। जो एडमिशन, जब एडमिशन लेते हैं ना, उस पूरे प्रोसेस को काउंसलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि IIT NIT में कैसे एडमिशन लेते हैं, IPU के कॉलेजेस में कैसे एडमिशन लेते हैं, जैसे महाराजागढ़ से, दिल्ली का जो हमारे कॉलेज है DTU, IIIT दिल्ली, NSIIT, IGTTU, इसका एक अलग काउंसलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। इसी तरीके से कई IIITs अपना अलग काउंसलिंग प्रोसेस करते हैं, JMI अपना अलग काउंसलिंग प्रोसेस करता है, स्पॉट राउंड कैसे होता है, नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस का क्या है। तो इसमें ना एक छोटा सा ओवरव्यू देखेंगे और थोड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेंगे। तो बिना देरी के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले इस वीडियो के अंदर 130 लाइक विद इन 1000 व्यूज में जरूर पहुंचा देना। और एक और चीज यार, अनअकैडमी का जो क्या है, 10 सितंबर से आप लोगों की प्राइस हाइक होने वाले हैं। तो जो क्लास 11th वाले हैं, जिनका स्टार्ट हो रहा है 11 सितंबर से, जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है उनका एमर्ज वाला, वो जल्दी जल्दी यार अपना जाके ना सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि अभी 2 साल का बैच का 30,000 रुपीज आपका 10% ऑफ के साथ मिल रहा है, लेकिन 10 सितंबर के बाद से इसका 50,000 हो जाएगा। तो काफी ज्यादा हाइक आ जाएगा, तो नुकसान क्यों करवाना अपना, जाके ले लो। जिनको अनअकैडमी का लेना है क्लास 11th वालों को, ऐसे जो ड्रॉपर बैच वाले हैं एक्सेल का, उनका भी यार 21 सितंबर से स्टार्ट हो रहा था, यार वो भी लो अपना ले ले, 10 सितंबर से पहले ले लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, सारी आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यार पहले बात करते हैं NITs, IITs, IIITs में एडमिशन कैसे होते हैं, इवन GFTIs के अंदर। तो उस पूरे काउंसलिंग, जो पूरा एडमिशन प्रोसेस होता है, उस पूरे काउंसलिंग प्रोसेस का नाम होता है जोशा काउंसलिंग। एक्चुअली 7 राउंड्स के अंदर होता है जोशा काउंसलिंग। ऐसे 1-2 महीने पहले ये भी कहा जाता था कि 6 राउंड के अंदर निपटा देंगे, लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है इस चीज का, तो अभी 7 राउंड मान के ही चलो कि 7 राउंड काउंसलिंग होगी। अब क्वेश्चन आता है भैया कब स्टार्ट होगा, तो यार जो टेंटेटिव डेट दिए गए हैं, जो आपका जो ब्रोशर आया था JEE एडवांस का, 5th ऑफ अक्टूबर को आपका क्या कहते हैं रिजल्ट आ जाएगा, और उसमें कहा गया था 6th ऑफ अक्टूबर से आपकी रजिस्ट्रेशन चालू हो जानी चाहिए, ठीक है, चालू हो जाएगी, वो एक टेंटेटिव डेट है, लेकिन मे बी 7 अक्टूबर भी हो सकता है, तो 6 अक्टूबर के आसपास हो जाएगी। तो यार ऐसे इसका नोटिफिकेशन बेल जरूर बजा देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जल्दी से जल्दी हम इसके जैसे ही आएगी कुछ भी होगा काउंसलिंग से रिलेटेड, आपको जल्दी से वीडियो मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब अवर चैनल। अब हम आगे बढ़ते हैं, जोशा के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। देखो जो इस बार कोविड के अंदर है, कोविड के सिचुएशन के कारण पास वालों, यानी उसके अंदर कोई भी अब क्राइटेरिया नहीं रखा है लोगों ने, 75% का हटा रखा है, सिर्फ आपको पास होना है और आप जाके ले सकते हैं एडमिशन। लेकिन जो इस साल ड्रॉप करेंगे और अगले साल बैठेंगे, तो वो अपने दिमाग में ये चीज़ को ध्यान रखें कि 2021 के लिए 75% का क्राइटेरिया नहीं हटा है। NIT, IIITs, GFTI के अंदर एडमिशन लेने के लिए, इवन IITs के अंदर आपको 75% होने चाहिए क्लास 12th के अंदर, अगले साल वालों के लिए। इस साल वालों के लिए तो हट चुका है, ठीक है, तो अगले साल वालों का ये सीन रहेगा, वरना टॉप 20% जैसे ICSE बोर्ड का क्या होता है, टॉप 20% वगैरह 66% पे आता है, तो उनको 66% चाहिए होता है। ऐसे कई सारे स्टेट बोर्ड का अलग अलग होता है टॉप 20%। तो हम बात करते हैं जोशा के अंदर, तो यार जोशा के अंदर तकरीबन 23 IIT होती है, ठीक है, साथ में 31 NITs है, 28 GFTIs है एंड 25 IIITs है। और इसके अंदर कई सारी IIIITs अपनी अलग से काउंसलिंग करवाती है, 2-3 IIIITs, जैसे IIIT हैदराबाद, बैंगलोर, और IIIT दिल्ली अलग काउंसलिंग करवाती है, इसी के साथ नहीं करवाती जोशा के थ्रू। हम बात करते हैं कि CSAB क्या है। तो मान लो जो तुम्हारी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस चली 7 राउंड तक जोशा के अंदर, अब इसमें भी 7th राउंड के बाद कुछ सीटें बच जाती है, ठीक है, कुछ चीजें कोर ब्रांचेस की बच गई, कंप्यूटर्स की पहले दूसरे तीसरे राउंड में खत्म हो जाती है, उसके बाद भी अगर कोई सीट बचती है तो फिर एक स्पॉट राउंड, यानी 2 स्पॉट राउंड हुए थे पिछली बार, तो स्पेशल राउंड जैसे कहते हैं, तो उसके बाद स्पॉट राउंड होता है जिसको हम CSAB के नाम से जानते हैं। और इन CSAB में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है CSAB और जोशा के अंदर, क्योंकि CSAB के अंदर कोई भी IIT पार्टिसिपेट नहीं करती, जोशा में IIT पार्टिसिपेट करेगी, CSAB में IIT पार्टिसिपेट नहीं करेगी, उसमें सिर्फ NITs, IIITs एंड GFTI पार्टिसिपेट करती है। हाँ, एक और चीज जो हम लोग फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे थे स्टूडेंट को, यार वो ऑलरेडी हमने काफी बच्चों को कॉल कर चुके हैं, 70% ऑफ स्टूडेंट हम कॉल कर चुके हैं, मोर देन 300 स्टूडेंट्स को, और कईयों को हमने क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे ही उनके जो क्वारीज को, मुझे लगा कि जो व्हाट्सएप पे दिया जा सकते हैं आंसर, हमने उसका आंसर दे दिया था। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह है, वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो यार व्हाट्सएप का नंबर भी मैंने डाल रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, इवन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, पिन कर दूंगा मैं। तो यार जब आप व्हाट्सएप करते हो ना, मैसेज करते हो ना, तो यार उसमें हाय भैया, हेलो भैया की जगह यार सीधा अपना डाउट पूछ लिया करो, जो भी तुम्हें डाउट पूछना है, तो सही रहेगा ना, एक बार में पूरा का पूरा आ जाएगा मेरे पास मैसेज, तो मैं उस हिसाब से आपको रिप्लाई या कॉल कर लूंगा, ठीक है। बाकी काउंसलिंग वगैरह की जो फॉर्म है, आप लोगों को जल्दी जल्दी
मैं अभी कॉल कर लूंगा, कुछ बच्चों का बचा हुआ है आई नो, बस उसके बाद जब आप भरो ना तो 2-3 दिन का टाइम देना, थोड़ा सा ना इतने ज्यादा बच्चों को आ जाता है ना, तो 2-3 दिन का टाइम दे देना, 2-3 दिन के अंदर आप लोगों को कॉल आ जाएगा, ठीक है, या रिप्लाई आ जाएगा मैसेज के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, आपको मुझे लगेगा सिर्फ और सिर्फ रिप्लाई देना है उसमें। तो अब हम आगे बात करते हैं, तो सीसैब हमने जान लिया, जोशा जान लिया, अब एक सीसैब NEET भी होता है, NEET ये नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स के लिए होता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जितने भी कॉलेजेस हैं आपको उनके अंदर काउंसलिंग के लिए CSAB NEET का आपको काउंसलिंग प्रोसेस अटेम्प्ट करना पड़ता है। अब हम मेरे कॉलेज की बात करते हैं या सूरज भैया के कॉलेज की बात करते हैं, मेरा DTU है, सूरज का IIIT दिल्ली है, इसके अंदर आपको एडमिशन चाहिए या आपको कहते हैं NSUT या IUDTU के अंदर अगर एडमिशन चाहिए तो इसका जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है बिल्कुल अलग होता है, वो जोशा के थ्रू नहीं होता, JEE मेंस का मार्क्स तो लेता है लेकिन जोशा के थ्रू नहीं होता, वो होता है जैक दिल्ली के थ्रू, जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू होता है। एक्चुअली मैं डॉक्यूमेंट्स का क्या चाहिए जोशा के अंदर वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जैक दिल्ली का भी बहुत जल्दी बना दूंगा। तो आपके अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो DTU के अंदर और NSIT के अंदर 60% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, PCM के अंदर आपके 60% होने चाहिए और वो क्या कहते हैं आपके जो कैटेगरी वाइज भी उसमें रिलैक्सेशन मिल जाती है। अब इसमें एक कॉलेज की बात बताता हूँ, दैट इज IIIT दिल्ली, उसको थोड़े से भाव बढ़े रहते हैं तो उसको 80% चाहिए आपको क्लास 12th के अंदर, साथ ही साथ उसे मैथ्स में भी 80% चाहिए। ओके, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 80% फॉर जनरल कैटेगरी है इन क्लास 12th, इवन इन 80% आपके मैथ्स के अंदर। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है IIIT दिल्ली की तरफ से कि उन्होंने अपने मार्क्स डिक्रीज किया, तो अभी 80% लेके ही चलो उस चीज़ को। दूसरी एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ तुम लोगों को कि कैटेगरी वाइज के अंदर रिलैक्सेशन मिलते हैं, इवन आपके मैथ्स के मार्क्स में भी मिलते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। बाद में हम बात अब बात करते हैं IPU काउंसलिंग की, तो जो आपको जैसे महाराजा अग्रसेन है, महाराजा सूरजमल कॉलेज है, या आपके कहते हैं ये जो JB पंत है, USICT है, ठीक है, ये जो कॉलेजेस है जो IPU के कॉलेज है, ये IPU काउंसलिंग के थ्रू होते हैं, IPU के थ्रू होता है एंड JEE मेंस के मार्क्स पे होता है। बाकी B.Tech का IPU CET का एक एग्जाम होता है अलग से, उसके अंदर आपको एडमिशन चाहिए B.Tech ब्रांच के अंदर, यानी बायोटेक ब्रांच के अंदर, तो ठीक है। तो IPU की काउंसलिंग की अभी स्टार्ट होने वाली है, कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप पूछेंगे भैया जैक दिल्ली की काउंसलिंग का क्या है, तो जैक दिल्ली की काउंसलिंग भी जो है वो आपकी 3 अक्टूबर या आपके कहते हैं 7-8 अक्टूबर से चालू हो जाएगी। जैसे ही चालू होगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा हमारी तरफ से, तो उसकी चिंता मत करना, बस सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑल का कर देना जिससे तुम्हें सारी नोटिफिकेशन मिले। अब एक बात करते हैं JMI की, तो JMI अपना जो एडमिशन है वो JEE मेंस के मार्क्स पे लेता है, लेकिन उसका जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसने वो अलग करता है, JMI का अलग काउंसलिंग प्रोसेस होता है, उसकी डेट निकल चुकी है। अभी जो खुला हुआ है IIIT हैदराबाद और IIIT बैंगलोर भी अपना काउंसलिंग प्रोसेस अलग करता है, तो IIIT हैदराबाद का ऑलरेडी काउंसलिंग का जो डेट है यानी जो काउंसलिंग की जो फॉर्म है वो निकल चुकी है, यानी आ चुकी है, बाहर नहीं गई, खत्म नहीं हुई है, आ चुकी है, तो जाके उसको भर दो। ओके, और IIIT बैंगलोर का 10 सितंबर को आ जाएगी, ठीक है, उसका 10 सितंबर को डेट है आने का। आप IIIT हैदराबाद के वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आपको उसकी मिल जाएगी काउंसलिंग फॉर्म, आप जाके वहां पे अप्लाई कर सकते हो, अभी अभी ओपन है। ओके, सो यार ये सिर्फ और सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए था कि एक्चुअल काउंसलिंग प्रोसेस होता क्या है, कि आपको एक छोटी सी अवेयरनेस आ जाए। बाकी इस पर सारी डिटेल वीडियोस जल्दी जल्दी आएंगी। बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए जोशा के अंदर, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एक बार जाके डॉक्यूमेंट जरूर चेक कर लेना। मैंने वो वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, इवन कमेंट में भी लिंक डाल दूंगा इस वीडियो का। सो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।